Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं बिट एंड टेक यूट्यूब चैनल। ये वीडियो काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए इस टाइम बनाना, लेकिन काफ़ी टाइम से कंटेंट नहीं आ रहा है तो अब मैं आपसे दूर भी कितना रहूँगा तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि बना ही लेते हैं। और आज हम बात करेंगे सर्टिफिकेशन के बारे में। मैंने दो वीडियोस पहले बनाया है, मैंने दो सर्टिफिकेशन पहले किए हैं, ये तीसरा है मेरा जिसका नाम है GIACGPEN। और ये एक एग्ज़ाम है, इसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है ऑफिशियली वो है सेंस की तरफ से। तो मैंने रिसेंटली दिसंबर 26th को ये एग्ज़ाम दिया था और आई एम ग्लैड, आई एम ऑनर्ड टू अनाउंस कि मैंने ये क्लियर किया है विथ 93%। सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, शिप हो चुका है, अभी आने में उसको टाइम लगेगा। और मतलब इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरे ख्याल से पर्सनली मैंने इसको दिया, मैंने पूरी ट्रेनिंग ली है, तो आई कैन से इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री लेवल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोर्स एंड सर्टिफिकेशन। और इसीलिए मैं बात करूंगा मतलब मुझे कैसे अपॉर्चुनिटी मिली इसको देने के लिए। एक्चुअली क्या है कि मेरी कंपनी ने इसे स्पॉन्सर किया था और मैं आपको बताऊंगा भी कि आप इंडिविजुअली क्यों नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। और मैं मतलब इंडिविजुअली अपने दम पर ही नहीं कर पाता, इसके भी रीजंस है, तो वो धीरे धीरे करके वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो अब कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि इस कोर्स में आपको सिखाया क्या जाता है, इंट्रोडक्शन। तो जो आप एग्जाम देते हो GPEN, उसके लिए आपको एक ट्रेनिंग लेनी पड़ती है जो ऑफिशियली सेंस के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सेंस के बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप नहीं जानते हो तो सेंस इंडस्ट्री के टॉप इंस्ट्रक्टर्स को लेवरेज करता है आपको टीच करने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए। और मैं बताऊँगा कि क्यों इतने अच्छे और इतने अच्छे लेवल की ट्रेनिंग वहाँ पर दी जाती है, वो वर्थ इट है। तो यहाँ पर मैंने एक कोर्स लिया था, बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे, आप अलग अलग कोर्स हैं उसके। तो जो GPEN के लिए कोर्स आपको करना है वो है SEC 560, वो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहाँ पे बहुत डिटेल में दिया हुआ है साइंस की साइट पे। तो इस कोर्स में आपको कंप्लीट पेन टेस्टिंग मेथोडोलॉजी सिखाई जाती है एज अ प्रोजेक्ट। मतलब जब आप खुद का कोई स्टार्टअप करोगे, मतलब साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस कंपनी खोलोगे या किसी भी कंपनी में भी ज्वाइन करोगे, आप क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स लेते हो पेन टेस्टिंग के, या आपकी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो खुद के ही एप्लीकेशंस आप पेन टेस्ट करोगे, आप प्रोजेक्ट्स तो लोगे ना उस टाइम पे। तो उस पूरे प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंडक्ट कैसे किया जाता है, एक सक्सेसफुल पेन टेस्ट कैसे, बिजनेस रिस्क आइडेंटिफाई किया जाता है स्टार्टिंग टू मतलब एंड तक, स्टार्टिंग रिकॉन से लेके स्कैनिंग, उसके बाद फिर एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या आता है, एंड देन आपको उसके बाद भी सिखाया गया है। तो ये एक नेटवर्क बेस्ड पेन टेस्टिंग कोर्स है जहाँ पर आपको बेस्ट ऑफ ब्रीड हैंड्स ऑन टूल्स के बारे में बताया जाएगा जो कि टॉप परफॉर्मर्स हैं इंडस्ट्री में। और इसमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल्स 5 है, और हर चैप्टर में एक पेन टेस्टिंग का फेस डिटेल में बताया गया है। और हर मेजर टॉपिक के बाद आपको एक हैंड्स ऑन एक्सरसाइज मिलेगी, बहुत सारी हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज हैं आपके पास, पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन है, आप आराम से कर सकते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। टोटली जितना कंसेप्ट बताया जा रहा है उतना ही आपको प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। सबसे अच्छी बात क्या लगती है मुझे इस कोर्स की, पता है कि ये अपडेटेड है अकॉर्डिंग टू द करेंट ट्रेंड्स। मतलब एक्टिव डायरेक्टरी और एज्यूर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है ना लास्ट के फेज में, मतलब टोटली इंट्रोडक्टरी, मतलब जितना भी आपको पता होना चाहिए एज अ बिगनर पेन टेस्टर एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में, एंड Azure के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए अपना एनवायरनमेंट, Azure पे पेन टेस्टिंग कैसे की जाए, वो यहाँ पर कवर किया गया। और अगर आप कंप्लीट कर लेते हो ये पूरा कोर्स तो आपको एक CTF रेंज मिलती है, उस रेंज में आप एक सैम्पल ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट कर सकते हो और वो सब कुछ डेमो कर सकते हो जो आपको पूरा कोर्स में बताया गया है। तो ये कोर्स के बारे में था, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो हर किसी को ये कोर्स मेरे हिसाब से करना चाहिए जो पेन टेस्टिंग और VAPT में इंटरेस्टेड है। अब ये कोर्स तो आप कर लोगे लेकिन इसकी स्टडी कहाँ से करेंगे, स्टडी के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पहले बताया आपको कि ऑफिशियली सेंस के द्वारा ही प्रोवाइड की जाती है इसकी ट्रेनिंग, SEC 560 ऑन डिमांड जो मैंने ली थी, इसका कॉस्ट है अराउंड $7,600। और इसमें आपको एक सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट ऑप्शनल है, आप ले सकते हो GPEN सर्टिफिकेशन अटैम्प्ट, तो उसकी कॉस्ट है $849। तो दोनों का टोटल जो कॉस्ट हो जाता है वो है अराउंड $8,500, ठीक है। और अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो करीब 6.3 लाख।
तो अगर इसकी ट्रेनिंग की बात करें तो आपको लाइव ट्रेनिंग मिलती है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइव इंस्ट्रक्टर्स आपको पढ़ाएंगे, आप रिमोट पढ़ सकते हो, आप वहाँ जा भी सकते हो, अभी जाना मेरे ख्याल से पॉसिबल तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे अलग अलग टाइम्स पे आपको अलग अलग टाइम जोन्स पे ट्रेनिंग मिलती है। सिक्स डेज की ट्रेनिंग होती है, आपको हर दिन एक मॉड्यूल पढ़ाया जाएगा, और मतलब मेरे हिसाब से टाइम चूज़ करना बहुत ट्रिकी है, और मैं खुद प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने पेस पर पढ़ूँ और ऑन डिमांड हो, तो मैंने ऑन डिमांड वाले ही लिया था। तो उसके साथ आपको हर मॉड्यूल के लिए बुक्स मिलती हैं, तो मतलब आपको टोटल 6 बुक्स मिलेंगी, एक वर्कबुक, मतलब सिर्फ हैंड्स ऑन के लिए एक वर्कबुक होती है, बाकी सारे मॉड्यूल्स होते हैं। और जब इतना पैसा ले रहा है साइंस, तो लेकिन उसने कोई कसर भी नहीं छोड़ी आपको पढ़ाने के लिए, मतलब दुनिया भर के डाउनलोडेबल्स आपको दिए हैं, लैब के VMs आपको मिल जाएंगे, लैब सेटअप के इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे विंडोज़ के लिए, लिनक्स के लिए, आपको हैंडआउट्स मिल रहे हैं, चीट शीट्स मिल रही है जो भी आप पढ़ोगे, और आप खुद के लैब में प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको MP3 फाइल्स मिल रही हैं कि आपको वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े, आप सिंपली सुनते रहो आपको समझ में आ रहा है तो, आपको बुक की सॉफ्ट कॉपी मिलती है। तो मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट है पूरा, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, और हर टॉपिक के बाद एक क्विज है। तो ये जो साइंस की ट्रेनिंग है आप लोगे तो इसकी वैलिडिटी है 4 महीना, यानी कि 4 मंथ्स ओनली, और जो GPEN का सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसकी भी वैलिडिटी 4 मंथ ही है, तो आपको इसके अंदर एग्जाम देना है। और मैं एक और बात बता दूं कि अगर आप अलग से सिर्फ सर्टिफिकेशन लेना चाहते हो तो वो पॉसिबल है इस केस में, लेकिन उसका कॉस्ट है करीब $2500, और अगर आप साइंस की ट्रेनिंग के साथ लेते हो तो कॉस्ट है इसका $849, काफ़ी सस्ता हो जाता है। लेकिन आप ये जो एग्ज़ाम है ये लाइव प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम है, जैसे कि हमेशा जैसे CEH आप दोगे वो भी ऐसे ही होता है, जो भी रिमोट एग्ज़ाम्स होते हैं लगभग वैसा ही है, ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो आप सारे स्टडी मटेरियल्स। और ये बात एक फैक्ट है कि जो स्टडी मटेरियल्स आपको मिलते हैं वो 100% सफिशेंट है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और एग्ज़ाम में आपको जो अटैम्प्ट है उसके साथ आपको 2 प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं जो कि मतलब सेल्फ सफिशिएंट है, मतलब आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ट्रेनिंग लेते हो साइंस से। तो अब एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो देखो टोटल यहाँ पर 82 क्वेश्चंस हैं, प्रॉक्टर्ड एग्ज़ाम है तो उसका फॉर्मेट आपको पता होगा, 82 क्वेश्चंस में 75 क्वेश्चंस आपके MCQ हैं, कंसेप्ट और थ्योरी बेस्ड, ठीक है, और जो 7 क्वेश्चंस हैं आपको हैंड्स ऑन है, ब्राउज़र में आपका VM खुलेगा और उसमें परफॉर्म करके उसमें ऑप्शंस दिए हैं, राइट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और आपको वो परफॉर्म करके ही आएगा, आप शॉर्टकट नहीं ले सकते। तो 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, आपको प्रॉक्टर यू द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, प्रॉक्टर यू आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और वही आपको माइक कैमरा और स्क्रीन का एक्सेस थ्रू आउट देना पड़ेगा, आप किसी से बात नहीं कर सकते, हेडफोन्स वगैरह नहीं पहन सकते, और मतलब आपको 1-15 मिनट का ब्रेक अलाउड है। टोटल अब मेन बात करें तो 75% आपको पास होने के लिए चाहिए, मतलब 100 में से 75% आपको स्कोर करना है, और ये डिफ़िकल्ट नहीं है इतना अगर आप सोचो तो, मतलब आप अच्छे से अगर प्रिपेयर करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रॉक्टर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको इंटरनेट अलाउड होता है, मतलब काफ़ी सारे एग्जाम्स में होता है, और मतलब इन्फोसाइट में बहुत सारे एग्जाम्स में ये अलाउड होता है, लेकिन इसमें अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल से साइंस के बहुत सारे और सर्टिफिकेशन में ऐसा ही फॉर्मेट होता होगा कि इसमें आपको इंटरनेट अलाउड नहीं है, मतलब आपको जो हार्ड मटेरियल्स प्रोवाइड किए गए हैं, मतलब जो हैंडआउट्स वगैरह हैं उसको भी आप प्रिंट करवा लो, आप बुक्स लेके जा सकते हो, कुछ भी हो वो ऑफलाइन मटेरियल होना चाहिए, खुद के आप नोट्स ले जा सकते हो, आप खुद की मार्किंग्स वगैरह, खुद की बुक्स वगैरह सब ले जा सकते हो, लेकिन आप इंटरनेट कोई भी गैजेट एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब थोड़ी मेरी जर्नी के बारे में बात करते हैं कि मेरी क्या स्टोरी रही है पूरे इस थ्रू आउट द साइंस कोर्स। तो ये मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था इसकी जो ट्रेनिंग थी, मेरे पास चॉइसेस थी, मेरा मन था कि मैं OSCP करूं, और मतलब चॉइसेस होती हैं आपके पास, कंपनी बोलती है, कंपनी हमेशा ये प्रेफर करती है कि आप साइंस की ट्रेनिंग लो, और मुझे इसके बाद पता चल गया देने के बाद कि क्यों प्रेफर करती है। तो बहुत सोचने के बाद और मतलब रैशनल डिसीजन लेने के बाद मैंने ये चूज़ किया कि मैं रिनोन्ड साइंस का ही कोर्स करूँगा। तो मैंने अक्टूबर में स्टार्ट किया था, मुझे करीब 2.5 महीने लग गए इसके पूरे कोर्स कंप्लीट करने में। और मैं बता दूं कि ये जो GPEN है ये साइंस का फ्लैगशिप कोर्स है, एक वेल राउंडेड सिक्योरिटी प्रोफेशनल के लिए बनाया गया है और बहुत सारे लोग इसको लेते हैं। तो मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सोच लिया कि हफ्ते में मतलब एक दिन में करीब 1.5-2 घंटे में लगाऊंगा वीडियो कंटेंट पे। तो मैंने करीब वैसे ही स्टार्ट किया और फिर मतलब करीब मुझे 20 दिन लग गए पूरा वीडियो कंटेंट कंप्लीट करने में। मैंने नोट्स बनाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत नोट्स हैं, मेरे पास बुक्स हैं, तो मैंने नोट्स नहीं बनाए थे।
और फिर उसके बाद फिर मैंने बुक्स पढ़नी स्टार्ट की वीडियोस के बाद। और बुक्स मतलब ऐसा बोल सकते हो कि रीइंफोर्समेंट्स हैं आपके वीडियो कंटेंट पे, मतलब वीडियो कंटेंट में आपको समझ में आता है और बुक्स से आप उस नॉलेज को सप्लीमेंट करते हो। तो ऐसे मैंने पांचों बुक खत्म कर ली थी, मतलब छह बुक्स हैं टोटल आपके पास, मैंने पांच पढ़ी। सिक्स्थ वाली वर्कबुक है, आप उसमें एक्सरसाइजेस हैं, आप चाहे तो कर सकते हो, ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। लेकिन बुक्स पढ़ने के बाद मैंने लैब एक्सरसाइजेस सॉल्व करना स्टार्ट किया। उस लैब को आपको सेटअप करना पड़ता है पहले अपने लोकल मशीन में, मतलब आपको एक लिनक्स वीएम मिलता है, आपको एक विंडोज़ वीएम मिलता है, दोनों अलग अलग, स्लिंगशॉट लिनक्स बोलते हैं उसको, विंडोज़ का भी एक कॉपी होती है। तो आपको दोनों ही सेम नेटवर्क पे रखने हैं, कुछ एक्सरसाइजेस लिनक्स के लिए हैं, कुछ विंडोज़ के लिए हैं, कुछ दोनों के इंटरेक्शन पे बेस्ड है। तो आपको एक कॉम्प्रहेंसिव विकी मिलती है, मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिलता है कि आपको हर एक्सरसाइज में क्या करना है, मतलब सब कुछ दिया हुआ है आपको, सारे कमांड्स दिए हुए हैं आपको, बस आप चाहे तो कॉपी पेस्ट करके भी पढ़ सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, आप समझ के करो तो बेटर है। तो साइंस ने इतना ईजी बना दिया ना आपके लिए पढ़ना, मतलब। तो ऐसे करके दो हफ्ते में मेरे सारे लैब एक्सरसाइजेस ख़त्म हो गए थे, उसके बाद मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई थी लगभग। उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने उन लोगों से बात की, मतलब मेरे खुद के कलीग से बात की, बहुत सारे लोगों से बात की जिन्होंने जीपेन दिया हुआ है पहले से। तो उन्होंने क्या बोला, मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपका एक्सपीरियंस, उन्होंने क्या बोला कि जो ट्रेनिंग है ना साइंस की, वो रियल टेक अवे है, वो रियल डील है। मतलब एग्ज़ाम के बारे में चिंता मत करो, एग्ज़ाम बहुत ईजी है, जो आप ट्रेनिंग में सीखोगे ना वो आपको लाइफ टाइम काम आएगा। मतलब जब फ्यूचर में आप खुद के पेन टेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेना चालू करोगे ना, तब समझ में आएगा आपको। तो मुझे वो बात मेरे दिल में बैठ गई। तो अब एग्ज़ाम देने का टाइम आ गया था। अब एग्ज़ाम के लिए ना एक चीज़ रिकमेंडेड होती है कि आप प्रॉपर इंडेक्स बना लें। इंडेक्स मतलब कि कौन सा टॉपिक कौन से बुक में है और कौन से पेज में है, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, जो भी आपने पढ़ा है थ्रू आउट, मतलब वीडियो कंटेंट में कहीं से भी इंस्ट्रक्टर ने कुछ भी बोला हो, कोई भी लाइन पूछी जा सकती है, या उससे ड्राइव किया हुआ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या जो बुक है आपकी पांचों जो बुक हैं उसमें से कहीं से भी किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप जब एग्ज़ाम में बैठोगे, बुक्स आपके सामने हैं, तीन घंटे का आपका टाइम है, तो आप सर्च करते बैठोगे सारी बुक्स में, तो आपका टाइम किल होगा, कोई बिल्कुल भी एफिशिएंट मेथड नहीं है वो, आप सिर्फ ढूंढते ही रह जाओगे। इससे अच्छा है कि आप पहले से बना लो इंडेक्स, आप मैंने जैसा इंडेक्स बनाया आप वैसा बना सकते हो, या आप खुद का भी बना सकते हो, आपके ऊपर है। बस ये पता पहले से आप कर लो कि, मतलब पहले से आप अपने साथ रख लो कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सी बुक देखनी है, कौन से पेज पे देखना है। और जो दो प्रैक्टिस टेस्ट होती है आप दोनों दो, मतलब मेरा क्या लॉजिक है कि जो पहली टेस्ट होती है वो आप बिना प्रिपरेशन के भी दे सकते हो। मेरे हिसाब से आप अपनी वीकनेस टेस्ट करने के लिए और कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो टेस्ट करने के लिए आप वो दो, और जो सेकंड टेस्ट है वो आप अपनी फाइनल प्रिपरेशन टेस्ट करने के लिए दो, मतलब जो आप वीकनेस में इम्प्रूव करोगे उसके बाद आप फाइनली आप एग्ज़ाम के एक दो दिन पहले आप दे सकते हो। तो अब आ गया एग्ज़ाम का दिन, December 26th। तो मैंने एग्ज़ाम का टाइम चूज़ किया था 1 PM से 4 PM, और मैंने मतलब जो पूरा डेस्क था अपना साफ किया, अनवांटेड चीज़ें हटा दी, आप पानी रख सकते हो, आपको दो गवर्नमेंट आईडी चाहिए होती हैं वेरीफाई करने के लिए, और मतलब जब टाइम हो जाए तो प्रॉक्टर से कनेक्ट करने के लिए आपको एक प्रॉक्टर यू ऐप इंस्टॉल करना पड़ता है, वो आप पहले इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद प्रॉक्टर कनेक्ट होगा आपसे। लेकिन मतलब मेरे साथ एक अजीब सी दिक्कत हो गई यहाँ पे एग्जाम डे में, क्या हुआ कि मैंने फायरफॉक्स चूज़ किया, मतलब मैंने सोचा कि फायरफॉक्स में करते हैं एग्ज़ाम। तो मैंने जब मतलब मेरा जो जियो फाइबर कनेक्शन है आप जानते हैं कि 100 Mbps का है, सफिशिएंट स्पीड है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंटरनेट पे। लेकिन जब मैं फायरफॉक्स पे स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, मैंने नोटिस किया कि लैग हो रहा है। तो स्पीड टेस्ट पे स्पीड आ रही है 30-35 Mbps, समझ नहीं आ रही ये ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब जब मैंने अपने मोबाइल पर टेस्ट किया तो सही आ रहा है, फायरफॉक्स में गलत आ रहा है। तो ये ऐसे स्पीड से जब प्रॉक्टर यू कनेक्ट करना चाहा उसने तो उससे नहीं हुआ, मतलब प्रॉक्टर मुझसे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा है इतने स्लो कनेक्शन में। 3-4 बार उसने ट्राई किया, नहीं हुआ, और उसने बोला कि इस कनेक्शन में हम आपका टेस्ट नहीं ले सकते। तो मैंने बहुत ट्राई किया, फिर मैंने राउटर रिस्टार्ट किया, मैंने PC रिस्टार्ट किया, मैंने मतलब जो अडेप्टर है अपना PC का उसको अल्फा वाला जो स्ट्रॉन्ग वाला है वो वाला लगा के देखा, कुछ नहीं हुआ, वो वैसी स्पीड बता रहा है, कोई दिक्कत कोई चेंज नहीं है वहाँ पे। तो फिर उसके बाद भी नहीं हुआ, मैंने मोबाइल नेटवर्क ट्राई किया उस पर भी नहीं हो रहा है, अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। अब वो बार बार यही बोल रहे हैं कि नहीं एग्ज़ाम ले पाएंगे, तो अब मैं क्या कर सकता था। अब फिर से उन्होंने बोला कि आप अभी छोड़ो, आप रीस्केड्यूल कर लेना, लेकिन फिर से इतनी मेहनत करना, फिर से रीस्केड्यूल करना मुझे नहीं करना था, ऐसे में बहुत टाइम वेस्ट हो गया मेरा, 45 मिनट्स वेस्ट हो गए।
अब मुझे एग्ज़ाम आज ही देना था, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता फिर से रीशेड्यूल करना, और बीच में कंपनी अलाउ करती है कि नहीं करती है रीशेड्यूल, कोई आइडिया नहीं था मुझे उसका, और सिर्फ एक अटेम्प्ट था मेरे पास, मैं इसमें फेल होता तो मैं खुद से भी नहीं दे पाता फिर। अब बीच में मैंने क्रोम खोला, उस पर मैंने टेस्ट किया तो उसमें कनेक्शन 100 Mbps आ रहा है। मतलब ये मुझे समझ नहीं आया कि कनेक्शन वही है, लाइन वही है, बैंडविड्थ वही है, ऐप स्पेसिफिक हो जा रहा है, फायरफॉक्स में नहीं काम कर रहा है, क्रोम में काम कर रहा है। अब फायरफॉक्स से चिड़ लगने लगी मुझे। अब मैंने क्रोम में फिर से स्टार्ट किया, फिर से ऐप इंस्टॉल किया, प्रॉक्टर से कनेक्ट करवाया, बहुत टाइम लगा कनेक्ट होने में क्योंकि वो शायद चले गए होंगे, उसके बाद फिर 15-20 मिनट बाद फिर आए तो मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो गया था। तब तक आईडी वेरीफाई करवाया मैंने, पूरा रूम स्कैन हुआ 360 डिग्री, डेस्क आपका चेक होता है, डेस्क के नीचे चेक होता है, उसके बाद फाइनली एग्जाम स्टार्ट हुआ मेरा। और सामने बुक्स पढ़ी थी, इंडेक्स पढ़ा था तो मैं देख देख कर मैं आंसर कर रहा था, और इंडेक्स में बोलूँगा मतलब रियली बहुत काम आया मुझे, उसके बिना शायद मैं इतना स्कोर नहीं कर पाता, शायद पास ही नहीं हो पाता, क्योंकि मतलब लगभग हर क्वेश्चन में आपको इंडेक्स काम आता है क्योंकि आपके सामने होता है ना, आपको भले पता है लेकिन आपको वेरीफाई करना है कि सही हो कि नहीं आप। एक प्रॉब्लम फिर आ गई कि पावर कट हो गया, बीच में मैं करीब आधा कंप्लीट कर चुका था और पावर कट हो गया, और मुझे डर लग रहा था कि पावर कट के केस में वो ये ना सोचे कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट खोल के बैठा हूँ, मुझे ऐसा लगता था, मुझे डर लग रहा था। तो 15-20 मिनट हो गए, फिर पावर फिर से आई, मैंने फिर से कनेक्ट किया, बहुत टाइम फिर से लगा मेरा, करीब एक घंटा ऐसे ही वेस्ट हो गया, और फिर वो फिर से कनेक्ट हुए लकीली, और फिर से रूम स्कैन हुआ, फिर से डेस्क स्कैन हुआ, सब कुछ स्कैन होता रहता है, फिर मैंने फिर बैठा एग्ज़ाम ट्राई किया। तो मेरा डिस्ट्रैक्शन मतलब दिमाग बहुत ही इधर उधर बहुत हो गया था, लेकिन फिर से मैंने फोकस करने का ट्राई किया और फाइनली एग्ज़ाम कंप्लीट किया। और जो हैंड्स ऑन क्वेश्चंस थे उसमें आपके क्वेश्चन के हिसाब से आपके VM खुलते हैं ब्राउज़र में, लाइक लिनक्स कभी खुलेगा, कभी विंडोज खुलेगा, कभी कोई और वर्जन खुलेगा, लेकिन आपको कोई और कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, सब ब्राउज़र में हो जाएगा। तो ऐसे बहुत इश्यूज़ के बाद, कठिनाइयों के बाद, परेशानियों के बाद मेरा एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ, और जब लास्ट क्वेश्चन में मैंने सबमिट किया तो थोड़ा टाइम लगा पेज खोलने में, लेकिन रिजल्ट तुरंत आ गया। रिजल्ट में परसेंट लिखे हुए थे 93%। इट वॉज़ क्वाइट शॉकिंग फॉर मी क्योंकि फर्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में मेरे 84% आए थे, और सेकेंड में जब मैंने प्रिपरेशन अच्छी की थी तो 81% आए थे। तो मुझे थोड़ा सा अंदर डर लग रहा था कि मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फॉर्चुनेटली काफ़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ें, बहुत ही अजीब चीज़ें होती रहती मेरे साथ लाइफ में, तो यही। तो अगर मेरे वर्डिक्ट की बात करें कि मेरे क्या ओपिनियंस है इस एग्ज़ाम के बारे में, तो ऑनेस्टली ट्रेनिंग वॉज टॉप नॉच, साइंस वॉज स्पॉट ऑन। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि ऐसे ही फालतू में नाम नहीं है साइंस का टॉप पे, रियली साइंस जस्ट वर्थ इट। मतलब मैं ये प्राइजिंग के लिए भी बोलूँगा कि प्राइजिंग अभी भी ज़्यादा ही है, मतलब जस्टिफाई नहीं करती है कि जो आपको वो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो नाम है वो रहेगा, और जो रिसर्च उसके इंस्ट्रक्टर्स करते हैं साइंस के, वो मतलब अनकम्पेरेबल है। वो 15-20 साल का एक्सपीरियंस उनका दिखता है, और मतलब मेनली जो प्राइजिंग है उसके कारण इंडिविजुअली लोग ज़्यादा करते नहीं हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिनको स्पॉन्सर किया जा सकता है वही लोग करते हैं, और इसके लिए आपको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहो साइंस के अलावा, ट्रेनिंग लेना चाहो, तो बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं हैं आपके पास, सिर्फ साइंस प्रोवाइड करता है, और जो लोग दे चुके हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, तो जो लोग दे चुके हैं उनके पास टाइम नहीं है शेयर करने का। पर्सनली मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे जो इस कोर्स के ऑन डिमांड के, टिम मैडन, वो कर्बर होस्टिंग के फाउंडर है। मतलब कर्बर होस्टिंग उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था किसी कॉन्फ्रेंस में, और फिर अब जाके कितना पॉपुलर हो गया, आप जानते ही हो, जिसने भी एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा है उसको पता होगा। तो इतने मतलब लेवल के टॉपिक्स उन्होंने ऐसे समझाए हैं, मतलब इतने डीप इंटेलेक्चुअल लेवल पे आपको दिमाग में इंग्रेन करवा देंगे, मतलब आप भूल ही नहीं पाओगे फिर उसको जाके। और कोर लेवल पर सब कुछ समझाया हुआ है, मतलब कोई भी वॉइड नहीं छूटेगा आपका कहीं भी, आप फ्री रिसोर्सेज से पढ़ सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आप सेल्फ लर्निंग अगर आपको आती है तो आप ढूंढ सकते हो खुद से रिसोर्सेज, आप पढ़ सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन, साइंस की ट्रेनिंग अगर नहीं होती तो मैं शायद इसको पास नहीं कर पाता ऑनेस्टली। फिर से मैं ये बोलना चाहूँगा कि साइंस आपको एग्जाम से ज़्यादा ही सिखाता है, एग्जाम बहुत ईजी है उसकी चिंता मत करना, और बहुत ही अपडेटेड कोर्स है जो अभी करेंट और फ्यूचर में और 5-10 साल के जो ट्रेंड चल रहे हैं, क्लाउड एनवायरनमेंट, क्लाउड पेन टेस्टिंग, वो भी आपको सिखाई गई है। मतलब पेन टेस्टिंग इन एक्टिव डायरेक्टरी एंड एज्यूर, क्लाउड के कंसेप्ट कवर किए गए हैं यहाँ पे। भले मैं उतने हैंड्स ऑन नहीं बोलूँगा, बिगनर लेवल है, आप क्लाउड में अगर आप और जाना चाहते हो आगे तो साइंस के और भी एडवांस लेवल के कोर्सेज हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और इसी साल की बात करें 2022, तो कॉरपोरेट में कितना यूज़ हो रहा है क्लाउड, मतलब 95% ऑफ ऑल फॉर्चून 500 एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर रही हैं, क्लाउड यूज़ कर रही हैं,
जितना बोलो उतना कम है। और ये भी नहीं कि आपको सिर्फ परफॉर्म करना सिखाया जा रहा है, आपको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करना आना चाहिए। ये बहुत लोग इसमें ही लैक करते हैं कि आपको रूल्स ऑफ एंगेजमेंट लिखना आना चाहिए, आपको स्कोप रूल्स, आपको स्कोप डिफाइन करना आना चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज को फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है। सिक्योरिटी ऑडिट्स में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये सब आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है। तो ये थी सारी डिटेल्स साइंस के कोर्स के बारे में, जीपैन एग्जाम के बारे में, जो पूरा स्ट्रक्चर है, जो पूरे डिटेल्स हैं यहाँ पर ख़त्म होती हैं। अगर मैं खुद अपने कुछ टिप्स की बात करूँ जो मैं आपको दे पाऊँ, जिससे आप मतलब एग्जैक्टली अच्छे मार्क्स से क्लियर कर पाओ, और जो टेक अवेज आपको लेने चाहिए वो है, सबसे पहली बात कि जो साइंस की ऑफिशियल ट्रेनिंग है उस पर मैं जितना जोर डालूँ उतना कम है। आप हो सके इफ़ पॉसिबल आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो प्लीज़ उसके लिए जाइए, मतलब आप कभी रिग्रेट नहीं करोगे। और अगर आपको मतलब नहीं, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास चांस नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडिविजुअली मत लेना, मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। और जो आपको सिखाया जा रहा है उस पर फोकस करो। एग्जाम सिर्फ 3 घंटे का है, वो 3 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। स्किल्स जो आप पढ़ोगे वो आपको लाइफ टाइम काम आएगी। और जो भी आपको मटेरियल्स मिल रहे हैं वो हमेशा संभाल के रखना, जो भी आपको लैब्स मिल रहे हैं वो सारे सॉल्व करो, भले आपको आते हैं तब भी, हर बार सक्सेस नहीं मिलता। और जो इंडेक्स है वो प्रॉपरली बना करके जाना, एग्जाम से पहले उसको लेकर के जाना, मतलब डिटेल में बना लेना, जितना आपको चाहिए अपने हिसाब से बनाओ। और जो भी प्रिंटेड मटेरियल्स हैं, मतलब जो भी आपके हैंड रिटन नोट्स आपने बनाए हैं वो भी लेके जाओ, जो भी हैंडआउट्स मिलते हैं, जो भी सॉफ्ट कॉपीज मिलती हैं, सब कुछ प्रिंट करके लेके जाना एग्जाम में। और अगर आपको फ्री रिसोर्सेस से पढ़ना है तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ जो साइंस की वेबसाइट है वहाँ पर जाइए, उसमें कोर्स चूज़ कीजिए, उसके टॉपिक्स देखिए, डिटेल में पीडीएफ मिल जाएगी आपको, डाउनलोड कर लो, टॉपिक्स देख लो और ख़ुद से रिसर्च करना चालू करो, जैसे मैंने आपको सेल्फ स्टडी में बताया है। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि आप जो मैंने पढ़ा है साइंस के कोर्स में उससे ज़्यादा पढ़ोगे खुद से रिसर्च करके। और लास्टली मैं यही कहूँगा कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशंस किसी भी चीज़ के, किसी भी टूल के या किसी भी टॉपिक के पढ़ना चालू करो, किसी भी अटैक के पढ़ना चालू करो, ओआस्प फॉलो करो, ओआस्प एनआईएसटी साइंस ये सब फॉलो करो, स्टैंडर्ड्स हमेशा पढ़ते रहो, अपडेटेड रहो। और आदत डाल लो यार ऑफिशियल समझने की, उसमें सब कुछ तो नहीं होता लेकिन जो एसेंस होता है ना वो सारे वर्ड्स का, उससे आप हजारों वर्ड्स डिराइव कर सकते हो लिटरली। तो बस यही था इस वीडियो में आज के, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा और आप कुछ ना कुछ इससे टेक अवे लोगे। अगर आपको चांस मिले प्लीज़ प्लीज़ ये कोर्स लेना और ज़रूर करना, एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था मेरे लिए तो। और आगे मतलब मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज दिए हैं जो मैं फाइंड कर पाया फ्री में, आप देख लेना आपके लिए कितने काम आते हैं, लेकिन आप खुद भी ढूंढ सकते हो, आपके ऊपर है। मुझे और जैसे जैसे मिलते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। कुछ भी डाउट है आपको एग्जाम के बारे में, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ सोशल मीडिया पे या कमेंट्स पे आप पूछ सकते हो। तो बस यही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और ऐसे आगे इन्फॉर्मेटिव साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग के वीडियोज़ के लिए आगे के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना, नोटिफिकेशन ज़रूर आना चाहिए, और सपोर्ट करते रहिए ऐसे, और देखते रहिए, सीखते रहिए। We'll be right back.